afternoon class. Our today's topic of discussion is gaseous state. So, the gaseous state है जिधर chapter A थोड़े section B दे विच हैगा जिधर ये होगा. So, section B दे विच जिधर first chapter है वो gaseous state है. So, as you all know that there are three states of matter: solid, liquid, and gas. And in this chapter, we are going to study the detail about the gaseous state. So, पहला तो जिधर तीन चार जिधर gaseous state दिया जिधर basic general properties ने वो की ने that जिधर gases ये वो की कर देने expand indefinitely. ठीक है? Means की है क्या? कि अगर कोई वैसल पिया होया तो उसके विच जिहड़ी गैस है अगर आपां उह भर देने आ तो गैस की करूगी गैस कैन फिल अप द होल वैसल. नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी. ऑल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग सम प्रेशर. सिमिलरली ऑल गैसेस कैन बी लिक्विड बाय अप्लाइंग सम प्रेशर एंड दे इंटरमिक्स स्पॉन्टेनियसली. इट मीन्स की है अगर दो डिफरेंट गैसेज ने तो वो आपस दे विच किया स्पॉन्टेनियसली मिक्स कर सकती है. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. नेक्स्ट की है कि सारिया गैसेस जो प्रेशर एग्जर्ट करनगियां जिहड़े कंटेनर दे विच आपां उहनां नूं फिल कीता होया ओ कंटेनर दी वॉल्स दे उपर जिहड़ियां गैसेस ने ओ की करदे ने प्रेशर एग्जर्ट करदे ने. सो इह सी की उहदियां बेसिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट देयर आर सम इंपॉर्टेंट गैस लॉज विच वी हैव टू स्टडी. द फर्स्ट इज Boyle's law. What is this law states? According to this law, पहला तो ये law की ने दिता सी रजे. ये दिता सीगा Robert Boyle ने दिता सीगा in 1662. So according to this law की ना volume of given mass of a gas is inversely proportional to प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो वॉल्यूम की होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर. इट मीन्स आप पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं और वी कैन से दैट इफ पी वन इज अ प्रेशर एट वॉल्यूम वी वन एंड पी टू इज अ प्रेशर एट वॉल्यूम वी टू देन पी वन वी वन इज ऑलवेज इक्वल टू पी टू वी टू. वट हैपन्स दिस इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. सो दिस इज बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट हैगा चार्ल्स लॉ और गेल लुसैट लॉ. सो ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने तो पहला जिहड़ा ये लॉ सीगा ये किने मतलब इनिशिएट किने कीता सी चार्ल्स ने कीता सी इन 1787. उन्हें सिर्फ डायरेक्टिव मतलब उन्हें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दसी सी उन्हें सिर्फ ये दसिया सीगा कि वॉल्यूम आ जिहड़ा वो टेंपरेचर दे नाल किवें जिहड़ा वो इंक्रीज डिक्रीज हो जांदा. बट उस तों बाद जिहड़ा गे आया सीगा 1802 दे विच ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੋਲਿਊਮ. ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਅ ਇਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਬਾਈ 1/273 ਆਫ ਇਟਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ कि जिहड़ा वॉल्यूम है किसी भी गैस का वह इंक्रीज भी हो सकता डिक्रीज भी हो सकता. किन्ने अमाउंट से डिक्रीज होगा 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सैलसीयस. ठीक है? मीन्स की हैगा अगर उहदा वॉल्यूम सपोज कर लो वी नॉट की है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सैलसीयस वी टी की है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सैलसीयस. ठीक है? सो नो जिहड़ा वॉल्यूम है वी टी एट एनी टेंपरेचर वो किहदे इक्वल होगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1/273 वी नॉट इनटू टेंपरेचर. ठीक है? हुण इहनां दोनों दे विच राइट हैंड साइड ते वी नॉट एक कॉमन ले लेंगे वी नॉट 1/T/273. सो नो व्हाट हैपन्स आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन मैथमेटिकली सॉल्विंग दिस इक्वेशन the final expression की होगा tell me class. so the final expression becomes Vt is equal to V naught T plus 273 upon 273. this is when we take LCM of 273. नो हुण तुसीं ध्यान दे नाल समझो इस दे विच की कर रहे हैं अगर आपां पुट कर रहे हैं
टेंपरेचर की वैल्यू -273 मीन्स एट टेंपरेचर इज इक्वल टू 273 पुट दिस वैल्यू ऑफ टेंपरेचर इनटू दिस इक्वेशन देन वी टी इज इक्वल टू वी नॉट -273 प्लस 273 अपॉन 273 इट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो सो इहदा मतलब की हैगा तुसी पहला मुझे एक ग्राफ देखो दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम सो मतलब की है सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इससे की हुंदा जिवें जिवें टेम्परेचर घट रहा सिमिलरली वॉल्यूम की हैगा घट रहा सपोज कर लो वॉल्यूम हैगा V2 जो टेम्परेचर की वैल्यू की होगी 0 डिग्री सेल्सियस सो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कैलविन स्केल दे विच की होगा 273 ठीक है सो हुण आ वाला दसो तुसी वॉल्यूम की वैल्यू 0 हुण तुसी देखो राजे अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 सी तां उहदे कोरिस्पोंडिंग वॉल्यूम की वैल्यू किन्नी आ वी नॉट है ना वी नॉट आप पहले ही करके खेडे वी नॉट ओ वाला वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो हुण जदों वॉल्यूम की वैल्यू इदा डिक्रीज होगी तो ए वाला पॉइंट होगा राजे जिथे वॉल्यूम की वैल्यू 0 होगी उहदे कोरिस्पोंडिंग जो टेंपरेचर है वह कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस दिस इज टेंपरेचर कोरिस्पोंडिंग टू दिस पॉइंट सो मेरे कहने का मतलब हैगा कि -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर एट विच एनी गैसेज एग्जिस्ट या कह लो कि रजे ए वाले टेंपरेचर से हम तुम जो ए वाला टेंपरेचर पुट किया इक्वेशन के वॉल्यूम की वैल्यू 0 होगी यदा मतलब एट दिस टेंपरेचर गैस सीजेस टू एग्जिस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट का मतलब कि गैस उत्थे एग्जिस्ट नहीं करूगी गैस की हो जूगी डिस्ट्रॉय हो जूगी सो मतलब की है ए वाले गैस से सॉरी ए वाले पॉइंट से गैस की हो जूगी लिक्विफाइड हो जूगी बिकॉज इस टेंपरेचर ते वॉल्यूम दी वैल्यू 0 आ रही है अगर वॉल्यूम 0 हो रहा है तो वो वाली गैस जी एग्जिस्ट ही नहीं करूगी जिसका वॉल्यूम 0 होगा सो इसका मतलब गैस की हो जूगी लिक्विफाइड हो जूगी सो इस तो जरा सुजेस्ट करके रजे इस तो बाद एक लॉर्ड केल्विन नाम का जरा साइंटिस्ट है उन्हें एक न्यू स्केल टेंपरेचर का इनवेंट किया उस स्केल नू कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल ऑफ टेंपरेचर अकॉर्डिंग टू दिस स्केल किया -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल हाँ जी की होगा सो टेंपरेचर कैपिटल टी एक केल्विन स्केल दे विच होगा तो इक्वल होगा स्मॉल टी वाला टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस उहदे विच की ऐड कर देंगे 273 सो इट मीनस की हैगा अगर टेंपरेचर हैगा सेल्सियस स्केल दे विच तो उहनू आपां केल्विन स्केल दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग दिस टर्म दैट इज 273 Now, after putting the value of इथे जो टेंपरेचर है वो किधर इस रिगार्ड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो एक इस दिवस है जो डिग्री सेल्सियस तो हूँ एक ही हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273 एक इधर इक्वल बन गया वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टेंपरेचर अपॉन 273 सो इसका मतलब अगर तुसी रिलेशन देखो ए वाली जो इक्वेशन बन गई After converting the temperature in Celsius scale into the temperature in Kelvin scale, तो ये तो तुसे की find out कर रहे हो, we find out that volume is directly proportional to temperature, ठीक है? It means VT is directly proportional to temperature, और we generally say that volume is directly proportional to temperature. This is under which condition? When pressure is kept constant. So, इतो रजे V upon T की हो जुगा? Constant हो जुगा. Similarly, आपना इस जड़ा चार्ल्स लॉ है,
इन आप ऐदा भी लिख सकते हैं वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। इहदा मतलब की हैगा अगर किसी गैस का वॉल्यूम वी वन है एट टैंपरेचर टी वन एक गैस है जिसका वॉल्यूम वी टू है मतलब चेंज हो गया वॉल्यूम एट करोसपोंडिंग टैंपरेचर टी टू तो दोनों के बीच की है यह रिलेशन होगा। सो नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। सो ए लॉ जिहड़ा दिता सी जी ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिता सीगा 1811 दे विच। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की होगा अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम नहीं सिमिलर लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए जी। सो अगर गैसेस का जो वॉल्यूम इक्वल है तो उसके विच की हैगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। जिहड़ी गैस हैगी है मीन्स सारिया गैसेस कह रहे हैं कोई भी जिहड़ियां गैसेस होंगी उन्होंने नेचर के राजे ही डिपेंड नहीं करूगा। सो इट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वट इज दिस कैपिटल एंड दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये कदों होगा जो आप टैंपरेचर ते प्रेशर दोनों नु की रख रहे हैं कॉन्सटेंट रख रहे हैं। नो देर इज रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स of gas and this is number of molecules and what is this n naught? This n naught is constant. So this is Avogadro's number. Why its value is constant? Because you all know that for one mole of every gas at the standard temperature pressure conditions Avogadro's number the value is 6.022 into 10 raised to 3. सो इहदी वैल्यू तो कॉन्सटेंट हैगी। इट मीनस जिहड़ा एन हैगा हुण अपना वह किस ते डिपेंड करूगा सिर्फ कैपिटल एन ते। सो इहदा मतलब एन की हैगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कैपिटल एन दे। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपां कैपिटल एन दी जगह ते स्मॉल एन भी जिहड़ा वो पुट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड दिस कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So this is Avogadro's law. And the next and the very important law is the combined gas equation. The combined gas equation or the combined law. So the fourth law is the combined gas law or maybe it is written as it is gas equation. So we studied now that there are three laws, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So according to Boyle's law ki hunda volume inversely proportional to hunda pressure, according to Charles law ki hunda volume directly proportional to temperature, and according to Avogadro's law ki hunda volume is directly proportional to number of moles. So under which conditions this happen? This happens when temperature is kept constant, this happens when pressure is kept constant, this happens when temperature and pressure both are kept constant. So now after combining these three equations we can say that volume is directly proportional to 1 upon P and volume is directly proportional to temperature and volume is directly proportional to this small n. सो हुण इत्थे डायरेक्टली प्रपोर्शनल दा साइन रिमूव करन दे लई आपां की कीता कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी यूज कीता। सो वट इज दिस कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी? वट इज आर? आर इज गैस कॉन्सटेंट। दिस इज यूज जस्ट टू रिमूव द डायरेक्टली प्रपोर्शनल साइन। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन द फाइनल इक्वेशन बिकम्स पी वी इज इक्वल टू nRT. This is a very important relation. This is known as the combined gas law.
Okay, so this equation holds for n moles of gas. So ए जड़ी रजे equation हुंदी है, ए हमेशा की हुंदी है, independent हुंदी है of the amount and nature of gas. So this is the combined gas law. After that, you should have the knowledge of STP and NTP condition. So जब भी तुम इन मार्कर्स देखते हो, तो उसके एक टर्म लिखी होती है STP. What is STP? ST means जिधर standard temperature and pressure. Means standard temperature ते pressure दी जिधर वैल्यू है, वो कितनी होती है? You have to remember this. The pressure is equal to 1 atmosphere and the temperature is equal to 0 degree Celsius or 273.15 Kelvin. This is the exact relationship. मतलब कि मैं decimal तो बाद भी जरा वो लिखा हुआ है, ठीक है? So this is the combined gas law. And the next is जरा gas constant हैगा R, capital R. ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ. ਸੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਪੀਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਆਰ ਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਪੀਵੀ ਅਪੋਨ ਐਨ ਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਵਾਲਿਊਮ ਅਪੋਨ ਮੋਲਸ ਇੰਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਨਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ. ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ ਮੋਲਸ ਇੰਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਲੈਂਥ ਕਿਊਬ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ. ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਮੋਲਸ ਇੰਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕ upon moles into temperature in Kelvin. So it means jada R hai wo represent kar raha work done per degree per mole. So this is the physical significance of gas constant, that R is work done per degree per mole. Next hai ga units. So R diyan jehdiyan units ne wo hege 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल एट नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर कंडीशंस पे. एंड अगर आपा सीजीएस दे विच गल करदे हां तां जिहड़ी आर दी वैल्यू है वो हैगी है 8.314 इंटू 10 रेस्ट पर 7 पर डिग्री पर मोल. एंड एस आई दे विच जिहड़ी है आर दी वैल्यू हैगी है वो हैगी है 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल. एंड इन कैलोरीज दे विच की हुंदी है 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल. सो दीज आर दी फॉर्मूलाज दैट यू नो, सॉरी दीज आर दी वैल्यूज ऑफ आर अंडर डिफरेंट कंडीशन. सो एनटीपी ते केडियां कंडीशंस होणगे? एनटीपी मीन्स जे ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲੈਣਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ 22.4 ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 1 ਲੈਣੀ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਰੇਸ ਪਰ 7 ਅਰਗਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਐਂਡ ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4.1 ਸੋਰੀ 1 ਜੂਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4.184 ਕੈਲੋਰੀ. ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੇ.
टू लॉज ने जिहड़े अपने रह गए, एक तो हैगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की ना अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है जी। सो अगर दो गैसेस ने उन्हों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हैगा मीनस आर वन अपॉन आर टू ओ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख लो इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन। हम देखो जो आर है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हैगा स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी। सो अगर आर वन लिखांगे तो इतने डी वन आऊगा, अगर आर टू लिखांगे तो इतने डी वन आऊगा, या फिर एम टू अपॉन एम वन भी है ना। डेंसिटी इन द मास फॉर वॉल्यूम या एक मतलब वेपर डेंसिटी होंगी है तो मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। सो यह होंगे गा एक जो रिलेशन होंगे प्रेशर के करोसपोंडिंग। मतलब कि जिन्ना प्रेशर ज्यादा होगा उन्ना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। वाई टी सो बिकॉज अगर प्रेशर ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हिट करेंगे पर यूनिट एरिया वह करेंगे ज्यादा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया हिट ज्यादा कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब उन्होंने डिफ्यूजन होने का जो रेट हैगा वह भी की हैगा ज्यादा हैगा। सो ये जो रिलेशन ने दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड दी नेक्स्ट इज जॉर्डन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो एदा जड़ा हैगा फॉर्मूला वह हैगा पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू सो ऑन। सो पी वन जिहड़ा कैपिटल पी हैगा वह हैगा राजे द टोटल प्रेशर। सो इहदी डेफिनेशन की होगी द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। मीन्स की हैगा हुण जिवें कोई गैस हैगी है ना ऑन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस। सॉरी मिक्सचर ऑफ गैसेस ने जिवें हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया ए एक जड़ा वैसल दे विच पाई हुंदी। तुसी कंडीशन मननी है कि इफ नंबर ऑफ गैसेस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद वन अनदर एंड कैप्ट इन अ सेम वैसल। हुण मैं आ कंडीशन तो फुलफिल कर रही हां कैप्ट इन अ सेम वैसल बट जिहड़ियां गैसेस ने मे बी आपस विच रिएक्ट करन है ना। तो सपोज कर लो गैसेस केड़ियां ने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो हुण अगर आपां नंबर ऑफ गैसेस मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस नूं फिल कर रहे हां इक सेम वैसल दे विच जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करूगी मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब इन सबनों मिला के जो टोटल प्रेशर है वह कि होगा पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर की होंगे पार्शियल प्रेशर जो वह वाला प्रेशर होंगे कि जो जी ईच गैस वुड एग्जर्ट प्रेशर जो वह कली होंगी मीनस हूँ अगर इतने सिर्फ एक्स वन होंगी वह कि प्रेशर एग्जर्ट करती वह पी वन होंगी, अगर कली एक्स टू गैस होंगी वह कि प्रेशर एग्जर्ट करती पी टू। So partial pressure is the pressure which each gas would exert if present alone in the same vessel under same condition. So this is Jordan's law of partial pressure. So that's it for the day class. This is the very basic. I want to say that this is just a introduction to gaseous state. The next chapter we will do in the next lecture. So that's it for the day.